तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बार मैं जुरासिक गार्डन वाला डायनासोर को यहाँ पे देख लेता तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य मुझे मेहता साहब का यह रूप देख के हो रहा है। अब तो मेहता साहब की खबर लेनी पड़ेगी। अरे क्या कर रहे हैं, शर्म ही नहीं है इनको, छड़े जो खुले आम धपा तप धपा तप धपा तप। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लड़की के जाते ही अभी खबर लेता हूँ मेहता साहब की। मेहता साहब बेचारे, अरे 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 मेहता साहब, हाँ बोल दिया। हाँ क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मेहता साहब मिले कि नहीं? वो मैं अभी घर आकर सब बताता हूँ। क्या हुआ टप्पू के पापा, कुछ तो बताइए। अरे भाई बोला ना, घर पे आकर बताता हूँ और जो हुआ है वही बताऊंगा, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा। चलो अभी फोन रख। दया को बोल तो दिया कि घर पे आके बताता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ मैंने देखा वो सब अंजलि भाभी के सामने कैसे बता पाऊंगा? क्या करूं, कैसे कहूं? ए भाई, दो मिनट में आता हूँ बोलकर कितनी देर लगा दी? तेरी चाय भी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। अब ठंडी चाय तो पिएगा नहीं, चाय दूध शक्कर सबका बिगाड़ हो गया ना। अरे बापूजी, चाय शक्कर क्या, यहाँ अंजलि भाभी की जिंदगी बिगड़ गई है। ए जेठिया, तुम दोनों इशारे में क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं बापूजी। सच सच बता जेठिया, क्या बात है, क्या हुआ है? धोखा निया, धोखा हुआ है बापूजी। मतलब? मेरे करीबी दोस्त ने कुछ ऐसा किया है कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अरे सीधा सीधा बताना भाई, किसने क्या किया है? बापूजी, मेरा एक करीबी दोस्त अपनी बीवी को छोड़ के किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। कौन है वो? उसका कान ऐसे मरोड़ूंगा कि जीवन में कभी भी किसी लड़की के सामने देखेगा भी नहीं। कौन है वो? अरे बता 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 बता। मैं बताती हूँ, अंजलि बेटा तुम कब आई? अरे कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ चाचा जी। चाचा जी, जेठा भाई जिस दगाबाज दोस्त की बात कर रहे हैं ना, वो और कोई नहीं, तारक है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है चाचा जी, ऐसा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तारक बहुत बदल गए हैं। दिन रात सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक कविता नाम की लड़की के साथ बातें करते रहते हैं। किधर बात करता है?
मीटर पे। हाँ, लेकिन सिर्फ इससे महतूस का किसी लड़के के साथ चक्कर है, ये हम कैसे मान सकते? बापूजी, शुरू में मैं भी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए बात सच है कि झूठ वो जानने के लिए मैंने मेहता साहब को फोन लगाया। हाँ। तो मेहता साहब मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थे, मुझसे कहने लगे अभी मेरे पास टाइम नहीं, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। मैं पहुंच गया सीधा उनके ऑफिस में, तो क्या देखता हूँ बापू जी, मेहता साहब ऑफिस में थे ही नहीं, वो तो सुबह ही कविता नाम की लड़की के साथ निकल गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले बापूजी वो सोसाइटी में आए थे, वो मैं नहीं आपको बोल के गया दो मिनट में आता हूँ, तभी मैं उनसे ही बात करने गया था, तभी भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तभी भी बात नहीं की, वो सीधा अपने घर से लैपटॉप लग के निकल गए, भाग गए। मैंने उनका पीछा किया और बापूजी मैं क्या देखता हूँ? क्या क्या देखा जेठा भाई? हाँ जेठा भाई, बताइए ना क्या देखा आपने? आपको मेरी कसम है, अगर आपने कुछ भी छुपाया तो। अंजलि भाभी, कसम बताइए ना क्या देखा? बताइए ना। मेहता साहब उसी लड़की को जाके मिले जिसकी फोटो हमने कंप्यूटर में देखी थी। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए, फिर उनका मैं पीछा नहीं कर पाया और मैं यहाँ घर पे आ गया। हे भगवान। अंजलि भाभी प्लीज शांत हो जाइए। बापूजी, मुझे लगता है मेहता साहब पर जरूर किसी ने काला जादू किया है, बाकी मेहता साहब तो कितने सीधे हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। दया भाभी, काला जादू सफेद जादू ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है बस। अब मैंने तय कर लिया है, अगर मैं तारक को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। मैंने हमेशा तारक को सुखी देखना चाहा है, दया भाभी अब तो मैं मेरे मायके जा सकती हूँ ना? एक मिनट अंजलि बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो घर छोड़कर मैतुस जाएगा, तुम नहीं। कहाँ है मैतुस? क्या फोन लगा उसे। जी बाबूजी। आप बोलो जेठालाल। जेठालाल का बाप बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी बोलिए। कहाँ इस वक्त तू? मैं वो क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा अगर आधे घंटे के अंदर तू हमारे घर नहीं पहुंचा तो। आधे घंटे के अंदर? अभी तुम्हें बिजी हो चाचा जी। तो ठीक है, तू कहाँ है बता, मैं वहां आता हूँ। क्या क्यों, मेरा मतलब क्या हुआ? अरे क्या क्यों सब छोड़, अब भी क्या अभी हमारे घर पर आ बस। जी 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 आता हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या हुआ चाचा जी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने? क्या किया जेठालाल ने? जेठालाल क्या है ये सब? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन कोतवाल, कौन चोर? मैं कोतवाल। तो क्या मैं चोर? हाँ। क्या किया मैंने?
आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? और जेठालाल तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? अरे आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोलिए। अरे बोलने के लिए कुछ रखा है तुमने? मैं तो मैंने किया क्या है? पर अंजलि भाभी आपको छोड़कर मायके जा रही थी। क्यों, क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ बापूजी, देखो तो इनका भोलापन। गोलेपन पे इतना गुमान कर, भोलापन दो पल में डल जाएगा। ये गीतमाला, जेठालाल तुम क्या कहना चाहते हो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। आखिर कोई मुझे समझाएगा कि बात क्या है? बात क्या, यही समझाने के लिए खास मैं आपके घर पे आया था। लेकिन आपको मेरी बात सुनने का टाइम कहाँ था? आप तो लैपटॉप उठा के दौड़ के रिक्शा पे सवार होके निकल गए। जेठालाल मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, इट वॉज वेरी अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ जाना था अर्जेंट काम से आपको? जेठिया तू बात को गोल गोल घुमा क्यों रहा है? सीधे सीधा बोलना उसे कि हम सबको पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है। मैं नहीं रो रहा चाचा जी, अंजलि रो रही है। अरे तो तुझे शर्म नहीं आती उसे रुलाते हुए ऐसे काम करते? चाचा जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाटक मत कीजिए आप, मुझे सब पता चल चुका है। आपकी कविता उर्फ ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट के बारे में। अंजलि भाभी अब शांत हो जाइए प्लीज। ओठो, ये बात है। सिर्फ यही बात नहीं है मेहता साहब, आपने मुझसे अपने जिगर जान दोस्त से झूठ बोला जब मैंने आपको फोन किया। जब मैंने आपको फोन किया आपने मुझसे अपने दोस्त से झूठ बोला। मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझसे क्या कहा? मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ। मैं खुद आपके ऑफिस में आया था और क्या देखता हूँ, आप ऑफिस में थे ही नहीं। आप तो सुबह ही वो कविता के साथ निकल गए थे गुलछर्रे उड़ाने। अरे मैं तू तेरी जगह अगर मेरा जेठिया होता ना तो अब तक तो कब का घर से निकाल दिया होता। अरे बापूजी मैं खुद ही घर से बाहर निकल गया होता। क्या अब भी? एक मिनट दया भाभी, चक्कर जेठा भाई का नहीं तारक का चल रहा है। हाँ अरे हाँ, इधर मेहता साहब का मुकदमा चल रहा है, तू मुझे कहाँ धक्का मार के कट घर में खड़ा कर रही है भाई? सॉरी मेहता साहब, हमारे अंजलि भाभी में ऐसी क्या कमी है कि आपने ऐसा किया? तो दया भाभी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। सफेद झूठ, मैंने आपकी और आपकी कविता की सारी चैटिंग पढ़ ली है। और मैंने खुद अपनी आंखों से आपको कॉफी के होटल के बाहर वो लड़की से बातचीत करते हुए देखा। अब बोल ये सब क्या झूठ है? नहीं चाचा जी ये सब सच है। देखा जेठा भाई, आपको बहुत विश्वास था ना आपके दोस्त पर। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ भाई के। अंजलि बैठो यहाँ पे। कोई नहीं जाएगा मायके। मैं क्यों नहीं जाऊँ? हाँ बात करता हूँ। हाँ, मैं जाऊंगी। क्या बात?
धमकी दे रही हो? मैं जाऊंगी, अगर जाना है तो जाओ अंजलि, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कविता के घर। रो मत, अंजलि रो मत, मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और किन परिस्थितियों की वजह से हुआ। अरे जेठालाल! अरे भाई थैंक यू वेरी मच, तुमने वो सुबह कहा था ना बीड़े भाई और माधवी भाभी को ले जाने के लिए, तो मैंने उनसे बात की और वो दोनों चलने के लिए तैयार है। पोपट भाई, भीड़े भाई और भीड़े बहन को आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अरे दया भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो लड़की वालों के घर जाना है शगुन लेकर। कांगारू सैसान! अरे ओ कांगारी, शांति शांति भाई, आज मीटिंग में शादी की तारीख तय हो जाएगी तो फिर आप सब लोग तैयार रहना। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारी शादी की तारीख तब तय होगी ना जब तुम्हारी मीटिंग होगी, और मीटिंग कब होगी? जब तुम जाओगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अंजलि, इधर कविता के साथ कोई बदतमीजी मत करना। अरे तारक तुम आओ, आओ अंदर आओ। कविता है मम्मी जी? हाँ है ना, आओ। मम्मी जी आइए आइए, आप भी आइए। तारक बेटा। बेटा कमाल है। अरे कम से कम फोन करके कह देते तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ करते। अरे तारक बेटा खड़े क्यों? अरे आप सब लोग बैठिए ना। नहीं नहीं, आप कविता को बुला दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कविता कविता देखो तो कौन आया है। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई दामाद का होता हो। ये आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी है, मैं इनका बेटा जी हूँ, जेठा जी। जेठालाल नाम है मेरा, मेहता साहब का खास दोस्त। और ये अंजलि है, मेहता की पत्नी। मेहता शादीशुदा है। हाँ पता है हमें। दोस्तों गोहन वाले कागज से अगर आपका पांव चिपक जाए और आप उस कागज से पांव छुड़ाने की कोशिश करें तो वो और चिपकता चला जाएगा। आफत का भी ठीक ऐसा ही, आप आफत से जितनी दूर भागेंगे आफत उतनी ही करीब आती चली जाएगी। जब धागे उलझ जाते हैं ना तो कहा जाता है कि उलझे हुए धागों को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं से धागा तोड़ना पड़ता है। अब जहां रिश्ते उलझ गए और इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में क्या क्या रिश्ते टूटते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके घरों में हंसी और ठहाके टूटते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.